किया जा, चिट्ठी आई मेरी ससुराल से, रोज रोज चिट्ठी तुम्हारी बनाई पड़ी पई, रोज लेके आई जात। का बता मैं भैया, बहुत परेशान है, बिना पढ़े लिखे होनो बड़ी हत्या है, पढ़े होते तो नहीं तो अपने आप पढ़ी लेते, चला एक उनते देख है चले। भैया राम राम, जब मेरी चिट्ठी आई ससुराल से तेने पढ़ के सुनाई देते हैं, हमें पढ़नो ही नहीं है जो का लिखो। अरे भैया घर के कैसे हम करें, कहाँ जाए, कौन मिली यही सो, कोई काम में लगो, कोई पढ़ो ना, हमका खुद ही बहुत मिली, चला ये वह के चला देख। ओहो, और चिट्ठी वाले, अरे भैया राम 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 राम, चिट्ठी आई है ससुराल से पढ़ के सुनाई देते हैं। चिट्ठी पढ़ दी? अरे ले भैया, बहुत बहुत कृपा हुई जा तुम्हारी, चिट्ठी जा तुम्हारी ससुराल से आई है। हाँ 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 जी, जा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत दिन से आपकी कोई खबर नहीं मिली, आशा करती हूँ आप लोग कुशल होंगे। हम तो कुशल ही है, भगवान से दुआ मनाऊ कहीं आप सब लोग कुशल मंगल हो। यहाँ हम लोग कुशल पूर्वक हैं, गाय ने बछड़ा दिया है, दूध दही खाने आ जाओ। जरूर आई जरूर आई, बहुत दिन से आशा करते हैं गैया भी आई जाए, आई तो खूब ही दूध दही खी आए मार के तही। दीदी को देखे बहुत दिन हो गए हैं, बैठा जल्दी आई है, हमें बुला उन्हों को बुला, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत बहुत यही करें का तुम्हारी प्यारी साली। बात करो लल्ला, बात करो, आज तो चिड़िया होते हैं तब वो भाई उड़ी जाते हैं, क्या करें, आज तो बहुत बहुत बस ये आज की रात ही कटी जाए कैसे, कल्ली आई गई हूँ या चोई ना लगती हमें खुद है, चल आज रात की कैसे देख हूँ कैसे कटाई, अब तब कमाल मेरी साली हमको बुलावे, कमाल मेरी Thank you.
ससुराल जा रहे तुम्हें टोकने का जरूरी हो। अरे आओ बैठी घर का गुप्त को कर ले। जय गंदी बात है कत ही ना कराओ। अरे जय का गंदी बात है होते हैं ना गंदी बात है। अब अगर देखो पहली बात हम तुमसे गुप्तगु करी ही नहीं है। कल ली हमने अपनी घरवाली से गुप्तगु करी है ही। हाँ। अब अगर ना करी होती तुमसे हम तहु ना करते। अरे मोरख गुप्तगु को मतलब है बातचीत करना। बातचीत कर ले बैठे के। देखो भैया हम तुमसे बातचीत नहीं करी। का है? अब 15 दिन पहले हमारी बातचीत हुई गई गुरैया सो बातचीत गई बढ़ी। और बढ़ी गई तो हमें आई गई गुस्सा। और हमें गुस्सा आई गई हमने ऐसे करी रोटियां मार दी गुरैया के खपड़ी गई मारे खून की रहिया भैया हुई गई। अरे भैया हो तो बाने बुलाई गई पुलिस। और पुलिस आई अच्छा हमें पकड़ ली गई। अच्छा हमें बैठा रो जाए थाने में बैठे हम तो एक आदमी आओ पहले वहां के तेरी इतो भारी पटा खूब जहु बड़ो इतो लंबो बामे मुट्ठा जड़ो खूब। हमें जा सोचे कि हमें जा भाई यही से करके बैठ रही यही से करके और गाड़ी की दिया इधर चली खूब मजा आई। अबले बात पूछो अबले भैया जावे दिखो का है जावे लिखो भाई बहुत प्यार करते हो तुमको सनम। अरे हमारे भक्त भाई अरे हम कहूँ तो भैया का बता मैं तुम्हें फिर दो आदमी और हुआ है। अच्छा और भाई दो आदमी आए उनने आउ तई खन हमसे कई कपड़ा निकाल हम डिरा आई गए हमारो घर को दुकर होने लगो करे जो हमने तुरंत ही कपड़ा निकाल दिया। अच्छा खाली नेकर को इधर रह गया। फिर उनने अपने कपड़ा निकाल दिया फिर हमारे जैसे कपड़ा उनने निकाले ऐसे ढक को भाई हमें दिगाल लगे हमने पता नहीं जो का कर ही अब। और भैया उनने हमें इतो मोटो पेड़ो ठाड़ो बहुत पुराई थी लाई गए हमें ऐसे पेड़ों पकड़ाओ ऐसे ऐसे मेरे हाथ दे बांध फिर ऐसे पाँव बांध दो पाँव बांध दो फिर और बांध के फिर उन्हें हमें बांध के जैसे ही ऐसे करके मारो पटा धड़ा लेकर के कई दाम गीली हुई गई। फिर उन्हें दो तीन चार पाँच अरे कतई गिनती अनाई राखी धड़ा धड़ू धड़ा धड़ू धड़ा धड़ू। और भाई ये ती जोर मारे हम आई दैया करके चिल्लाई लेकिन उन्हें भैया कतई इतनी उदय आई आई आखिर में हम कतई चुप्पा हुई गए। अरे लोग बेहोश हुई गए हमें पता ही नहीं हमारे संग काम हो। तो भैया बाउंडर जले हमें याद रही जिंदगी भर तने कोई से गुप्तगु तो कर ही नहीं तुमसे कहा था हमें बहुत देर होती है अब हमें जानते हो कि राम राम जाओ तो खतरा रहे आओ। तो बस अड्डा है यहाँ बस ही तेरे कहूँ सही है ना
छत से निकले सवारी की सब है दिक्कत, जहाँ देखो तहाँ भीड़ ही भीड़ और सवारी कहूँ ना, न टुकटुकुआ मिलता, न टम्पुआ मिलता, न जीप ही मिलती, अभी आए तो बदला। अब बताओ बड़े बस अड्डा पर जाए तो हुआ कोई अधिकारी मिले जिनसे पूछे, चलो यू भैया देर भई जाती है। बाबूजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बाबूजी का बस अड्डा जे है? हाँ यही बस अड्डा है, बताओ कहाँ जाना है? हमें अपनी ससुराल जाने है। अरे भाई ससुराल तो जाना है, कोई गांव शहर का नाम तो बताओ। मेरी ससुराल है चालूपुरवा। तो चालूपुरवा जाने वाली बस तो चली गई। चली गई? अरे फिर हम कैसे पहुँची? अब तुम कल 10 बजे आना, आज जा रहे हैं। अरे 10 बजे तक कैसे कटी? बाबूजी कोई जुगाड़ कर देते हैं। अरे हम क्या जुगाड़ कर सकते हैं, बस तो आधा घंटा पहले ही चली गई। तो बाबू जी आई सोला कि बस बुलाई गई वापस। अरे कैसे आदमी हो, बस निकले आधा घंटा हो चुका, आप कैसे वापस आएगी? बाबू जी पूरी बस चली गई। हाँ भाई बस तो पूरी ही जाती है। भगवान क्या करे कैसे पहुंचे, हमें जाने बहुत जरूरी है। बाबू जी एक ही सीट रोकी नहीं होती, हम तो टिके चले जाते। ऐसे मूर्ख हो यार, एक सीट नहीं रुकती है। बाबू जी का छत भी चली गई? हाँ भाई छत भी चली गई। अरे अरे तो बाबू जी तो पहिए पहिए चले गए? हाँ पहिए भी चले गए। भगवान हमारे का हुई। बाबू जी इंजन चलो वो। हाँ भाई इंजन भी चला गया। तो पहुंचे ही हमारे कतई तसल्ली नहीं पड़ती बाबू जी। अरे छती रोकी लेते, हम छती पर बैठे चले जाते। कैसे आदमी हो, छत भी तो बस से ही जुड़ी होती है, छत कैसे रुक गई? जो बात है तो बाबू जी पहिए रोकी लेते, हम मझिया बैठे चले जाते, हमें बहुत जरूरी जाने हैं। अरे अरे गधे जब पहिया चलेंगे तभी तो बस चलेगी, क्यों दिमाग खराब कर रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है यहाँ। बाबू जी का इंजन चलो। हाँ इंजन भी चला गया। अरे इंजन रुकी जाते तो हम इंजन बैठे चले जाते, क्या करें कहीं पहुंचे। अभी तुझे इंजन पर बिठा के भेजता हूँ, चल निकल यहाँ से, चल जा भाग यहाँ से। भैया चालू पुर वाले हम को ले चलते हैं। भैया हम जात रहे ले चलते हैं तुम्हें। क्या करें कैसे मिली सवारी, देखे कोई और। अच्छा भैया तभी चालू पुर वाले हम को ले चलते हैं। चालू पुर वाले नहीं जा रहे भाई, अब कैसे काजो हुई हुई, हम तो बड़ा दुखी है। ना मिले सवारी कोई कैसे ससुराल में जाऊं, ना मिले सवारी कोई कैसे ससुराल में जाऊं। मुझे याद सता भाई कितनी कैसे तुमको तुम्हारी कोई मिले तुम्हारी कोई कैसे कर जाए मैं जाऊं, जाने लगा से कैसे
I'm not